दोस्तों बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना नाम नेगेटिव किरदारों से ही बनाया है, तो वहीं हिंदी सिनेमा में इन सभी एक्टर्स ने विलन के किरदार से काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी हासिल की है। अपने वक्त के मशहूर और बेहतरीन विलन में से एक, इन एक्टर्स की बेटियां भी बेहद खूबसूरत हैं। वेल, इनमें से कुछ बॉलीवुड में आज अपना नाम बना चुकी है तो कुछ लाइमलाइट से काफी ज्यादा दूर रहना पसंद करती है। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड में अपने विलेन के किरदार को बखूबी और बेहतरीन तरीके से निभाने वाले कलाकारों की बेटियों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है एक्ट्रेस शक्ति कपूर का। दोस्तों, एक्ट्रेस शक्ति कपूर को हिंदी फिल्मों में खलनायक और कॉमेडी से भरे किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में लगभग 700 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और उनकी एक खूबसूरत सी बेटी भी है जिसका नाम है श्रद्धा कपूर, और आज वो बॉलीवुड का भी जाना माना नाम बन चुकी है। वेल, आपको बता दें कि श्रद्धा कपूर साल 2010 में अपनी फिल्म तीन पट्टी से अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें लाइमलाइट मिली साल 2013 में आई उनकी फिल्म आशिकी 2 से। श्रद्धा कपूर बॉलीवुड में आज जाना माना नाम बन चुकी हैं और वे दिखने में भी बेहद खूबसूरत हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है एक्टर और बेहतरीन विलन प्रेम चोपड़ा का। दोस्तों, एक्टर प्रेम चोपड़ा ने हिंदी और पंजाबी दोनों फिल्मों में एक्टिंग की और लगभग 50 सालों में 320 फिल्मों में एक्टिंग की है। उन्होंने ज्यादातर फिल्मों में नेगेटिव कैरेक्टर्स की भूमिका निभाई है, लेकिन उन्होंने कई फिल्मों में हीरो के किरदार भी निभाए हैं, लेकिन उनके फैंस को उनके नेगेटिव रोल्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं। आपको बता दें कि एक्टर प्रेम चोपड़ा की तीन बेटियां हैं, रकीता, पुनीता और प्रेरणा चोपड़ा। रकीता ने फिल्म पब्लिसिटी डिजाइनर राहुल से शादी की है और उनकी दूसरी बेटी पुनीता बैंड्रा में विंडशाइम्स नाम से एक स्कूल की मालकिन है और उनकी शादी सिंगर और टेलीविजन एक्टर विकास भल्ला से हुई है। तो वहीं इनकी तीसरी बेटी प्रेरणा ने एक्टर शर्मन से शादी की है। एक्टर प्रेम चोपड़ा की तीनों ही बेटियां काफी खूबसूरत हैं, लेकिन तीनों ही बेटियां बॉलीवुड से काफी दूर हैं और लाइमलाइट में रहना कुछ खास पसंद नहीं करती। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है फेमस एक्टर अमरीश पुरी का। दोस्तों, एक्टर अमरीश पुरी की दमदार एक्टिंग और उनकी आवाज के सभी दीवाने थे, लेकिन उनकी बेटी नम्रता ने एक्टिंग को अपना कैरियर नहीं चुना। जी हाँ दोस्तों, उनकी बेटी का नाम नम्रता है और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, साथ ही साथ वो एक बेहतरीन कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी है। आपको बता दें कि नम्रता शादीशुदा है। उनकी शादी बिजनेसमैन शिरीष भागवे के साथ हुई है। नम्रता के अगर इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइनर कपड़ों की तस्वीरें हैं, साथ ही नम्रता बेहद खूबसूरत भी है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है डैनी डेंजोंगपा की बेटी का। डैनी एक एक्टर और सिंगर है। उन्होंने साल 1971 के बाद से लगभग 190 हिंदी फिल्मों में एक्टिंग की है। उन्होंने केवल नेगेटिव रोल्स ही निभाए। फिल्म धुन, 36 घंटे, बंदिश, जीवन और जीने दो, धर्म और अग्निपथ, ये उनकी कुछ सुपरहिट मूवीज के नाम हैं। उनकी एक खूबसूरत बेटी भी है जिसका नाम है पेमा, लेकिन उन्होंने एक्टिंग को अपना कैरियर नहीं चुना बल्कि वे बिजनेस वुमेन हैं। इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है कबीर बेदी का। दोस्तों, एक्टर कबीर बेदी टीवी और बॉलीवुड का जाना माना नाम है। उन्हें पॉपुलैरिटी मिली फिल्म खून भरी मांग से, जिसमें उन्होंने विलेन का किरदार निभाया। वेल, एक्टर कबीर बेदी की पहली पत्नी से उनकी एक बेटी है पूजा बेदी, जो कि टीवी इंडस्ट्री की सफल एक्ट्रेस हैं और बेहद ही खूबसूरत हैं। तो दोस्तों, देखा आपने हमारी इस वीडियो में किस तरीके से हिंदी सिनेमा के खलनायकों की बेटियां भी किसी बॉलीवुड हीरोइन से बिल्कुल कम नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो लाइमलाइट से बहुत दूर रहती हैं। वेल, आपका इन विलन्स की बेटियों के बारे में क्या कहना है और आपको कौन सी बेटी ज्यादा खूबसूरत लगी, आप उनका नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। Do subscribe our channel and we hope that you like our videos and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com which is shown in the video and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.